कुछ नया सा नाश्ता मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूँ पूनम और आज हम बना रहे हैं ग्रीन रोल्स, बहुत सारी वेजीज़ का यूज़ करके। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन कलर है इसका, तो ग्रीन वेजीज़ भी हमने यूज़ किए। बहुत बढ़िया रोल्स हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ मैंने लगभग एक कप भर के पालक का लिया है, इसको अच्छे से हमें वॉश करना है और इसको करेंगे हम बॉयल। तो यहाँ बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया, जस्ट थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है मैंने, ताकि अच्छे से बॉयल हो जाइए। और ये बॉईल हो जाएगी उसके बाद हम इसको कर लेंगे ठंडा। तो यहाँ ये बॉईल हो चुकी है, ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में डाल के इसको आपको पेस्ट बना लेनी है, पीस लेना है। चलिए स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ एक छोटा चम्मच मैंने ऑयल का लिया है, कम ऑयल में ये स्टफिंग बनेगी। और यहाँ ग्रीन पेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, जो अभी आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा, ग्रीन चिली सॉस मैंने बनाई थी तो ऊपर जो रह जाता है ना छानते हुए, ये वो पेस्ट है। तो इसमें बढ़िया सा लहसुन अदरक और जीरे का, हरी मिर्ची का बढ़िया सा फ्लेवर है। तो आप यहाँ पर लहसुन अदरक हरी मिर्ची जीरा कूट कर आप ऐड कर सकते हो। लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को आप स्किप कर लो। और यहाँ मैं डाल दे रही हूँ बीन्स, काफ़ी सारे बीन्स कटे हुए मस्त से छोटे छोटे। और बीन्स के साथ मैं यहाँ पे शिमला मिर्च भी डाल दे रही हूँ, तो छोटा बड़ा पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो यहाँ पे। और पहले बीन्स और हरी मिर्च, हरी जो शिमला मिर्च हमने डाली है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, एक मिनट चला लेते हैं। उसके बाद बाकी वेजीज़ भी हम इसमें डालेंगे, काफ़ी सारी वेजीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप स्टफिंग में डाल सकते हो बढ़िया से। यहाँ मैं फूल गोभी डाल रही हूँ, ग्रेट की हुई फूल गोभी। आप यहाँ पर पत्ता गोभी का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने पत्ता गोभी नहीं डाली है यहाँ पे, फूल गोभी को मैंने ग्रेट कर लिया था अच्छे से। और ये गाजर ग्रेट की हुई यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ। बच्चे ऐसे वेजीज नहीं खाते तो इस तरह आप स्नैक्स में बना के आप दे सकते हो उनको। ये लौकी ग्रेट की हुई है और लौकी का जो रस रहता है ना, जूस, वो मैंने निचोड़ लिया था और बाद में इसको डाला है। अगर निचोड़ेंगे नहीं तो पूरी स्टफिंग जो है गीली गीली हो जाएगी, इसलिए निचोड़ के डाले अगर आप लौकी डाल रहे हो तो। सारी वेजीज को मिक्स कर लिया, इसमें डाल देती हूँ नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लगभग एक छोटा चम्मच, उससे भी थोड़ा सा कम ही डालिए नमक। नमक को कर लिया मिक्स अच्छे से। और इसमें मेरे पास स्प्रिंग अनियन पड़े थे तो वो भी मैं यहाँ पे डाल रही, तो जो ग्रीन पार्ट रहता है ना स्प्रिंग अनियंस का, वो यहाँ पे हरा वाला पार्ट में यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। और आप इसमें अच्छे अपने फ्लेवर्स और भी आप दे सकते हो, कोई भी मसाले आप डाल सकते हो। थोड़ी सी काली मिर्ची यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ, तो मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्ची डाली है, और जो हमने ग्रीन पेस्ट पहले डाली थी वो आप इसमें कुछ सॉसेस, मतलब जैसे शेजवान चटनी होती है वो भी आप डाल सकते हो। या मैं थोड़ी सी सोया सॉस डाल रही हूँ, लगभग आधा चम्मच जितनी, ज़्यादा नहीं डालनी है सोया सॉस, नहीं तो वो स्टफिंग जो है बहुत ही ब्राउन कलर हो जाएगी। थोड़ा सा विनेगर, एक छोटे चम्मच जितना विनेगर, जैसे कि मैंने कहा शेजवान चटनी भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। थोड़े से मटर मेरे पास बॉयल्ड पड़े थे जो मैं पहले डालना भूल गई थी, मैं अभी लास्ट में डाल लेती हूँ, तो ऑलरेडी ये बॉयल्ड है, इनको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस मैं इसमें स्टफिंग में कर लेती हूँ मिक्स और फिर गैस को कर लेंगे बंद, और ये हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल तैयार है। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यह पालक मेरी ठंडी हो चुकी है, पॉट में मैंने डाल दी और इसको पीस कर पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो चलिए एक बैटर रेडी करेंगे हम, जिसके लिए मैं ले रही हूँ मैदा, जो कि हाफ कप मैदे का है और 1/4 कप रहेगा कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है। और यहाँ पे जो पालक की पेस्ट मैंने बना दी थी, थोड़ा सा पानी ऐड किया था मैंने पेस्ट बनाते वक्त, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे यहाँ पे, और एक छोटा चम्मच ऑयल का यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो बस इसको करना है मिक्स, और पानी डालते हुए हमें इसका बैटर रेडी करना है, घोल रेडी करना है। तो जो आपने शीट देखी ना ग्रीन शीट, वो हम इसकी घोल से बनाएंगे, बैटर जो बनाएंगे, बढ़िया सा पतला सा बैटर बनाना है। आप देख सकते हो कितना पतला है ये, रख रख के ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाता है। और एक स्लरी बनानी है, उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। आप चाहते हो थोड़ी सी स्लरी बना लीजिए, मेरी तो बच गई थी स्लरी। तो 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, 2 चम्मच मैदा, थोड़ी सी काली मिर्ची छिड़क देते हैं और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और बस पानी डाल के इसकी ना थिक सी स्लरी बनानी है हमें, जो कि हम रोल्स को बाइंड करने के वक्त हमारी एक काम में आएगी। तो चलिए शीट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं ब्रशिंग कर ले रही हूँ। बस ये ऑयल ना आपको बस एक ही पहर लगाना है, पहली बार में ही लगाना है, बार बार बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बस पहली बार इसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। और ये बैटर जो आप देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा पानी और डाल के इसको पतला कर दिया, रखे रखे गाढ़ा हो रहा था, बस बैटर यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया और इसको फैला देंगे। और इस बात का ध्यान रखना पैन बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी ना, हल्का सा ही गर्म हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये बैटर फैलेगा नहीं, जल्दी से चिपक जाएगा। तो बस इसको ना पैन को घुमाते हुए हमें इसको सेकना है धीमी आँच पर, तो ये बढ़िया से सिक जाता है, रख मत दीजिएगा, उसे घुमाते घुमाते पैन को हमें सेकना है। और ये बढ़िया सी पतली सी शीट जो है हमारी, ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह हमें बाकी शीट्स भी डालना है, तो मैंने और एक डाल दी। ऐसे बिल्कुल ऑयल का यूज़ नहीं करना है हमें,
बस एक बार जो हमने ब्रशिंग कर ली थी उसके बाद सारी शीट्स हम इस तरह से बनाते जाएंगे। और बस इस बात का ख्याल रखना है हमें कि गैस की फ्लेम जो बिल्कुल धीमी आँच हो, या तो आप बंद करके, जैसे आप देख रहे हो मैंने अभी बंद करके इसको मैंने डाला है, बिल्कुल मतलब पैन जो बिल्कुल हल्का सा गर्म हो, पूरी तरह ठंडा भी ना हो, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो, उसके बाद आप फ्लेम को ऑन कर लीजिए और पैन को घुमाते घुमाते हुए ये शीट्स को सेक लीजिए बढ़िया से। तो बिना ऑयल के ये बढ़िया सी शीट्स हमारी बनकर रेडी हो जाती हैं और बहुत पतली सी शीट्स मस्त बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए अब बनाते हैं रोल्स। तो यहाँ मैंने शीट एक रख दी है और यहाँ पे भर देते हैं स्टफिंग। तो जितनी आपको स्टफिंग चाहिए अच्छे से आप उसमें भर लीजिए। लगभग मैं 2 बड़ा चम्मच भर के यहाँ पे स्टफिंग का ले रही हूँ और इसको हम पैक करेंगे। तो पैक करने के लिए जो हमने स्लरी रेडी की थी ना, तो वो साइड से हम लगा लेते ताकि अच्छे से रोल जो है हमारा चिपक जाए, खुले बिल्कुल भी ना, जब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो मैं इसको शैलो फ्राई करने वाली हूँ और इस तरह से मैं इसके पॉकेट की तरह इसको पैक कर रही हूँ। तो बस ये हमारा जो ग्रीन रोल है ये बनकर तैयार हो जाएगा। बढ़िया से आप इसको चटनी के साथ या सॉस के साथ आप सर्व करें, बहुत बढ़िया लगता है खाने में ये। तो और भी रोल्स मैं इस तरह से रेडी कर लेती हूँ और आप भी ये ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। स्टफिंग में आप अपने मन चाहे फ्लेवर्स दे सकते हो इसको, जो मसाला आप कुछ ही आप डालिए, बढ़िया से इस तरह से आप ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा और बच्चों को भी कुछ यूनिक खाने को मिलेगा, एकदम चेंज लगेगा खाने में। और काफ़ी सारी वेजेस भी हमने इसमें डाली है। तो चलिए शैलो फ्राई करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा ऑयल पैन में डाल दिया है, ऑयल हल्का गर्म हो चुका है, बहुत एकदम गर्म में भी नहीं डालना है, मीडियम गर्म हो जाए ऑयल, उसके बाद आप इसको डाल लीजिए और बढ़िया से इसको आप सेक लीजिए दोनों तरफ से करके। तो ये बढ़िया से रोल जो हमारे तैयार हो जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट तो प्यारे से वीडियो के लिए तो बनता ही है। चैनल को मेरी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पेज में मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करो और पेज को लाइक ज़रूर करो और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश। वाहे गुरु।